देश का प्रवास का कार्यक्रम और युवा मोर्चा की युवा संकल्प रैली जो कि 24 तारीख को मंडी में आयोजित होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 सितंबर को मंडी में आयोजित होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें पधार रहे हैं। इस हुंकार रैली में पूरे प्रदेश भर से सिरमौर से लेकर किन्नौर तक और हर विधानसभा क्षेत्र से 68 विधानसभा क्षेत्र से 74 मंडलों से हमारे 1,00,000 युवा और 1,00,000 युवा मतलब केवल युवा 1,00,000 उस रैली में पहुंचने वाले हैं। कोई भी 40 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति नहीं होगा और हर कोने से हर बूथ से युवा इस रैली में पहुंचे। माननीय मोदी जी युवाओं को वहां संबोधित करेंगे और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश से उनका जो नाता है, हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और लगातार उनका हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में अगर हम देखें या पिछले 8.5 वर्षों में लगातार हिमाचल को उनका प्यार उनका आशीर्वाद मिलता रहा है और मैं समझता हूं आने वाले समय में भी जैसा कि अभी मंडी आ रहे हैं इसके तुरंत बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में जो एम्स का हमारा भवन तैयार है उसका लोकार्पण, इसके बाद कांगड़ा चंबा के चंबा में माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का कार्यक्रम है और इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाला है। आज तो विशेष रूप से जो एक महा रैली युवाओं की हो रही है उसको लेकर मैं आपके मध्य रूबरू हुआ हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो अभी बल्क ड्रग पार्क उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दिया है और इससे पहले मेडिकल डिवाइस पार्क भी हमको मिला। मैं समझता हूं जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के लिए अनेकों सौगातें उन्होंने दिए, अटल टनल का निर्माण होना जिसको उसको गति देना उसका निर्माण पूर्ण करना, इसके अलावा हमको IIM मिलना, हमको मेडिकल कॉलेजेस मिलना और